न्यूजीलैंड के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल मुकाबले के लिए पाकिस्तान के खतरनाक प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान। बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद भी बाबर ने बदल डाली पाकिस्तान की आधी प्लेइंग 11। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले के लिए कैसी होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11, साथ ही पाकिस्तान की टीम में हुए हैं कौन कौन से बड़े बदलाव, जानेंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन और चाहते हो कि पाकिस्तान की टीम फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा दे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुरुवार 13 अक्टूबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने एक बार फिर से अपना दबदबा कायम रखा है। पाकिस्तान की टीम ने इस मुकाबले में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया है। दरअसल इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 173 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान की ओर से कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज की शानदार पारियों के दम पर पाकिस्तान ने इस मुकाबले को 1 गेंद और 7 विकेट शेष रहते अपने नाम कर लिया है। अब पाकिस्तान की टीम को शुक्रवार 14 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ फाइनल मुकाबले में भिड़ना है। आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए कप्तान बाबर आजम ने अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। कप्तान बाबर आजम फाइनल मुकाबले में एक अलग रणनीति के साथ मैदान पर उतरना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में 4 या 5 गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरेगी। उम्मीद है कि शान मसूद को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में बताते हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले के लिए कैसी होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक बार फिर से पारी का आगाज करेंगे। इनके कंधों पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा प्लेइंग 11 में हैदर अली, इफ्तिकार अहमद, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, हैरिस राउफ, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन। तो दोस्तों, ये हैं वो खिलाड़ी जो हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की ओर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।